हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं मुंबई की फेमस पाव भाजी, वो भी एकदम सिंपल स्टेप्स में। तो यहाँ पर मैंने ले रखे हैं आलू कटे हुए छिले हुए, एंड यहाँ पर मैंने गाजर मटर ले रखी है, अदरक लहसुन का पेस्ट ले रखा है, कटी हुई प्याज ले रखी है, बटर ले रखा है, पिसे हुए टमाटर ले रखे हैं, और ये पाव भाजी मसाला। साथ में मैंने रेड फूड कलर ले रखा है, एंड साथ में मैंने कुछ मसाले और लेमन जूस ले रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी भाजी को बनाना। तो सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे, एंड कुकर में हम अपने आलू और जो भी हमने सब्जी काट के रखी है उसको ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो गोभी का यूज़ भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने गाजर मटर और आलू यूज़ किया है। और अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमें इतना डालना है कि जो हमारी सब्जियाँ हैं वो डूब जाएँ। और अब हम कुकर को बंद कर देंगे और 3 से 4 सीटी आने तक इसको पकाएंगे, ताकि जो हमारी सब्जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। सॉफ्ट अगर सब्जी जितनी ज़्यादा हो जाएगी तो उसको मैश करना उतना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो अभी आप देखिए 3 से 4 सीटी के बाद जो है हमारी जो सब्जी है वो काफ़ी अच्छे से कुक हो गई है। अभी मैं आपको इसे चेक करके बताती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने गाजर को निकाला है चम्मच से। अब इसको हम प्रेस करेंगे, आप देखिए कितनी आसानी से प्रेस हो जा रही है। तो आप देख सकते हो इस तरह आपको इसे कुक करना है। और अभी हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे बटर। बटर जैसे ही हमारा मेल्ट होने लगेगा हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। तो जब दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का लाइट ब्राउन उसको करना है। तो यहाँ पर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। और प्याज के साथ साथ ही हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ थोड़ी सी हरी मिर्च भी पीस ली थी, तो इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो इन सबको हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। बहुत ही ज़्यादा हमें इसे जलाना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का इसे भूनना है। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से आपको इसे फ्राई करना है। और अब हम इसमें डालेंगे अपने पिसे हुए टमाटर। प्रॉपर मेजरमेंट हर चीज़ का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जाके इसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टमाटर पिसे हुए इसमें डाले हैं। और टमाटर को भी अब हम अच्छे से भून लेंगे। टमाटर जितना ज़्यादा भुनता है उसका कलर उतना ही अच्छा आता है। तो अभी टमाटर भुन चुका है, और अब इसमें हम डालेंगे अपनी सब्जियां जिनको कि हमने उबाल कर रखा था। और अब इसको हम मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आप देख सकते हो जो सब्जी हमारी काफ़ी अच्छे से मैश हो गई है। अब भी सबसे पहले हम इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जो है हम इसके बीच में स्पेस बनाएंगे। इस तरह से आपको स्पेस बनाना है। और ये जो स्पेस हमने बनाया है इसमें अब हम डालेंगे बटर। तो बटर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, किसी किसी को ज़्यादा बटर भी पसंद होता है तो आप उस अकॉर्डिंग अपना बटर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बटर हमने डाल दिया है। बटर हमारा जैसे ही मेल्ट होने लगेगा अब इसमें हम डालेंगे अपनी प्याज जो हमने बचाई हुई थी। तो यहाँ पर ये प्याज हम ऐड कर रहे हैं। प्याज के साथ साथ हम एक बार फिर से यहाँ पर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये देखिए जो बचाया था हमने वो भी अब इसमें हमने ऐड कर दिया है। उसको इसी तरह से हल्का चलाते हुए यहाँ पर भूनना है। ये जो स्पेस हमने बनाया है इसी में इसको भूनना है अच्छे से, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसको हमने 2 मिनट के लिए पकाया था। अब इसमें हम डाल रहे हैं हल्दी। 1 चम्मच हल्दी यहाँ पर मैंने यूज़ की है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने धनिया यूज़ किया है। 1/2 चम्मच गरम मसाला, और 4 से 5 चम्मच यहाँ पर हम पाव भाजी मसाला का यूज़ कर रहे हैं। और अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और इसमें हम डालेंगे फूड कलर। फूड कलर डालने से जो भाजी का कलर है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। अगर आप कलर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बीट रूट का यूज़ भी कर सकते हैं, बट वो आप बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, और हल्का सा डालेंगे तो उससे भी कलर काफ़ी अच्छा आता है। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी डालने से जो है हमारी सब्जी भाजी जो है वो और भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी, और जो मसाले हैं वो आपस में काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो ये देखिए, और एक बार फिर से हम इसे मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। तो गाइस अभी आप देखिए बिल्कुल लग रही है ना जैसे मार्केट में भाजी मिलती है उसी टाइप से, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और अब इसमें हम डालेंगे नमक। यहाँ पर मैं 2 चम्मच नमक का यूज़ कर रही हूँ। और नमक डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे एक बार। और ये देखिए नमक हमारा मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये मिक्स हो गई है। और ये नींबू का रस, यहाँ पर मैंने 1 नींबू का रस यहाँ पर डाला है, और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये भाजी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। गैस को हम ऑफ कर देंगे। तो गाइस भाजी तो हमारी बन चुकी है, अब बारी आती है पाव की। तो उसके लिए हमें एक पैन पे थोड़ा सा बटर लगाना है। इस तरह से बटर को स्प्रेड कर दीजिएगा तवे पर, और ऊपर से थोड़ा सा पाव भाजी मसाला स्प्रिंकल करेंगे, साथ में जो है डालेंगे हरा धनिया। और अब इसमें हम सेक लेंगे अपने जो है पाव को इस तरीके से, इसको बीच में से फोल्ड करके हम इस तरह से इसको सेक लेंगे। अब बारी आती है प्लेटिंग की। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए, एंड अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।